हेलो फ्रेंड्स, कल एग्जाम है। अच्छा तो करेंगे, ये तो मुझे मालूम है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको ऑल द बेस्ट। उसके बाद मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने देखा है अपने इतने 20-22 सालों के अनुभव में ना, कि बहुत अच्छी तैयारी करने वालों के कई बार मार्क्स कम आ जाते हैं या स्कोर कम कर पाते हैं, और एवरेज या एवरेज प्लस तैयारी करने वालों के मार्क्स कई बार उनसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। उनका लगता है उनका स्कोर उनसे ज़्यादा आया है। अब कारण क्या है? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और जितना तैयारी करना 6 महीने का जो काम होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उस एक दिन का काम भी होता है। आपको दोनों में बैलेंस करना होगा। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जितना आपने सीखना था आपने सीख लिया, और अब उस एक दिन में, 3 घंटे में आपको अपना परफॉर्म करना है। ये एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और आपको साफ साफ मालूम है कि इस एग्ज़ाम में अब ज्ञान दिखाने का टाइम नहीं रह गया। अब आपको जो करना है अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए करना है। तो मेरी सिंपल सी आपको हिदायत है कि सबसे पहले तो अपने आप को कूल, काम, कंपोज कीजिए। एग्ज़ाम कल की जो हाय तौबा है उससे बाहर आइए। जितना होना था हो गया। अब इस तरह की चीज़ें करके हम शायद अपने परफॉर्मेंस को डिक्रीज ही कर सकते हैं, बढ़ा तो नहीं सकते। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट फील कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, और आज जल्दी सोने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है तो कोशिश कीजिए कि आप आंखें बंद करके धीरे आपको नींद आ भी जाएगी। फ्रेश उठिए, हल्का फुल्का रिवाइज कीजिए, और फिर ये देखिए जो आपको आता है उसमें से आप कितना परफॉर्म करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, यहाँ आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, और स्कोर मैक्सिमाइज करने की 2 तरीके हो सकते हैं। आप अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कीजिए, या अपनी निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कीजिए। इन दोनों से आपका स्कोर ऑप्टिमाइज हो जाएगा। रहा निगेटिव मार्किंग कैसे कम की जाए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं फिर सलाह दे रहा हूँ आपको, पेंसिल उठाइए, क्वेश्चन के नीचे रखिए और चलाते हुए पढ़िए। जहाँ कोई मैथमेटिकल वर्ड दिखाई दे, अबिलियन, फोकस कीजिए। एफ इज एंटायर, अंडरलाइन एंटायर। ऐसे बहुत सारे हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के कीवर्ड्स होते हैं, उन पे रुकिए, सोचिए वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, और फिर सॉल्व कीजिए। हड़बड़ी में कुछ नहीं होने वाला, पेशेंस रखिए। सबसे बड़ी बात, अगर टफ क्वेश्चन है तो उसको जितनी जल्दी आप समझ सकें कि ये आपके बस का नहीं है, आगे बढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी सिलेक्शन होता है। आपका जो टॉपिक अच्छा है, टफ क्वेश्चन तो वहाँ भी आ सकता है जो आपको उस पॉइंट पर ना हो पाए। तो यहाँ मैंने फिर कहा ना, ज्ञान दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इंटेलिजेंटली स्मार्टली टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, टू द पॉइंट होने की कोशिश कीजिए। काउंट एग्जांपल दिमाग में रखिए, किसी ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो गेट सपोर्ट ऑफ अ थ्योरम, और किसी ऑप्शन को आप छोड़ रहे हैं, खासतौर से पार्ट सी में जैसे होता है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा एफर्ट कीजिए उसके अगेंस्ट कोई काउंट एग्जांपल मिल जाए आपको। जहां आप ये सब करेंगे आपका अपने आप निगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा। तुक्के मारने से बचिए। आपने जितना पढ़ा है 6 महीने में वो मोर देन इनफ है आपके अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। बट शर्त यही है कि उसका एक अच्छा हिस्सा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आएँ, और उस परफॉर्मेंस के अच्छे या कम अच्छे होने में फ़र्क जो होता है वो कॉन्फिडेंस का होता है, टेम्परामेंट का होता है, कूल माइंडेडनेस का होता है। ये चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं, आप अच्छे कॉन्फिडेंस जा रहे हैं एग्ज़ाम में, टेम्परामेंट अच्छा लेके जा रहे हैं, कंपोज्ड हैं, हड़बड़ा नहीं रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं ऑप्शन सिलेक्ट करने, पढ़ने में गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, तो बिलीव कीजिए आप उतना करके आएंगे जितना आपको आता है, उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपका माइंडसेट स्पॉन्टेनियस काम करना शुरू कर देगा। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और सबसे बड़ी बात, जब कष्ट होना एक ही देर सोचिए, जिसके लिए आप मुझसे हमेशा बोलते रहे हैं कि सर हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, तो कम से कम ये आपको सेटिस्फैक्शन देता रहेगा कि जो आपसे सीखा है, आपने सीखा है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब एग्ज़ाम दीजिए, 150 बच्चे इस लॉट में निकले हैं, अब आपकी बारी है। तो मेरे भविष्य के टीचर्स, मेरे भविष्य के प्रोफेसर्स, ऑल द बेस्ट, गो एंड क्रैक इट।